जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी की तरफ से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल गया है। कितने पोस्ट पे वैकेंसी है, किस चीज की वैकेंसी है, कौन कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं और अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है ना, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे समझिए, ये जो फॉर्म है ये अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 26 अगस्त 2023 को और अप्लीकेशन का लास्ट डेट रखा गया है 9 अक्टूबर 2023 को। टोटल पोस्ट जो इसमें है वो 5 पोस्ट में वैकेंसी निकाला गया है। ऑफलाइन मोड में केवल आवेदन हो सकता है और अप्लीकेशन फी ₹50 रखा गया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों आदमी आवेदन दे सकते हैं। अगर फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या है ना कि आपके पास 3 पेज का अप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि ये अप्लीकेशन फॉर्म है। इसी तरह से एक ये हो गया, ये दूसरा नंबर पेज हो गया और ये तीसरा नंबर पेज हो गया। ये तीनों पेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन होके अप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। अब चलिए बात करें इस पे कुछ जरूरी लगने वाला जो कागजात है ना, इसके बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा बड़ा वाला इनवेलप होना चाहिए, आप देख सकते हैं। ये इनवेलप के बाद अगर बात करें तो एक ऐसा छोटा वाला इनवेलप होना चाहिए जिसपे आपको डाक टिकट भी चिपकाना है, तो आपके पास डाक टिकट भी होना चाहिए कम से कम ₹25 का। उसके बाद एक ही कलर का आपके पास कम से कम 5 फोटोग्राफ होना चाहिए। हो गया, ये तो हो गया कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अगर इसके साथ अगर हम बात करें तो आपको ₹50 एप्लीकेशन फी पे करना है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो। अगर आपके पास ₹50 का पोस्टल ऑर्डर है तो वो भी जरूरी है, और अगर आपके पास पोस्टल ऑर्डर नहीं है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। अब चलिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा, इसको भरना कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क भर देना है। देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क जो है ना, ये बस 5 पोस्ट में ही फॉर्म निकाला गया है, दूसरा कोई पोस्ट नहीं है जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। तो मैं सबसे पहले कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझना बहुत जरूरी होता है, कि अगर आप खुद से नोटिफिकेशन समझ लेंगे ना तो आपको काफी मदद मिलेगा फॉर्म भरने में। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूँ। हेडक्वार्टर आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है, इसमें बताया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जो कि HQ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है हेडक्वार्टर आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी है। ये इम्प्लॉयमेंट नोटिस है, यानी कि इम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, नोटिस का मतलब तो आप समझते ही हैं, और इम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। यहाँ पे देखेंगे अगर तो द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लीकेशन बोर्ड जूनियर कमांड विंग आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी, इसका पिन है 45 34 41। अगर बात करें तो एक ही पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है जिसका पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जिसको हम बोलते हैं, जिसमें Level 2 की सैलरी दिया जाएगा, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 की सैलरी होगी। ग्रुप सी के अंदर आएगा ये। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये 5 वैकेंसी है, UR में 1 वैकेंसी है, EWS में 1 वैकेंसी है और SC में 1 वैकेंसी है और ST में 2 वैकेंसी है। ये जो है ये डिटेल्स नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। इसमें ओबीसी में एक भी वैकेंसी नहीं है, तो अगर ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहें तो वो UR के वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका एज जो है वो UR के जैसा होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना ये प्रोविजनल है, यानी कि आर्मी वार कॉलेज मऊ MP जो है ये कभी भी इसको चेंज कर सकती है। यहाँ पे देखिए चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसी इन नेसेसरी, मतलब ये कभी भी चेंज हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि जो लोग केवल सिंपल 12th पास होता है ना, वो 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास है, 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी टाइपिंग स्पीड जो चाहिए ना वो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करने आना चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। आप दोनों में से कोई एक ही टाइप कीजिएगा, आपको ट्रेड टेस्ट में एक ही मांगा जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 10-15 मिनट टाइप करना होगा। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो बताया जा रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और EWS से आते हैं तो आपका एज जो है वो 18 से 25 साल दिया जाएगा। अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह जो दिया जाता है ना वो इसमें भी दिया जाएगा, यानी कि SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी लोग डिसेबिलिटी है ना उनको यहाँ पे UR कैटेगरी से अगर है तो 10 साल और OBC है नॉन क्रीमी लेयर फिर भी डिसेबिलिटी है तो 13 साल, SC ST
डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स 15 साल, और यहाँ पे द एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट, तो बोला जा रहा है कि उनका जो है ना, मतलब एससी एसटी ओबीसी काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर फीस की बात करें तो इसमें अप्लीकेशन फी भी पे करना होगा, वो कैसे पे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे ₹50 का पे करना है, जो कि आप यहाँ पे फेवर ऑफ कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज मऊ के फेवर में पे करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट या जो पोस्टल ऑर्डर होता है ना इसके माध्यम से आप पे करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट में थोड़ा बनवाने में झंझट है, आपको बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन पोस्टल ऑर्डर आपके पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है, आप ₹50 की पोस्टल ऑर्डर खरीद लेंगे, उससे आप पे करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एससी एसटी कैंडिडेट्स और एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट जो है ना उनको यहाँ पे छूट दिया गया है, यानी कि अगर कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है या एससी एसटी है या एक सर्विस मैन है तो उनको एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। ये पे जो करना है केवल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ही पैसा पे करना है, ओबीसी में तो सीट है नहीं तो वो लोग भी जनरल कैटेगरी से आवेदन देंगे तो उनको भी पैसा पे करना है। अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट्स भी है और वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी से आवेदन दे तो उसको भी एप्लीकेशन फी पे करना होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, जिसको आपको क्या करना है ना कि पेस्ट करना है, और फ्रंट साइज आपको मतलब सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और 2 एडिशनल फोटोग्राफ ड्यूली शुल्क सेल्फ अटेस्टेड ऑन द फ्रंट साइज, यानी कि आपको इसके साथ रखना है। और यहाँ पे जो बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लोजिंग डेट जो है ना, ये जब भी रोजगार समाचार में आप यहाँ पे देखिए रोजगार समाचार में आएगा उसके 45 दिन के बाद इसका फॉर्म का क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है ना कश्मीर से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आइसलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब जगह से अगर आप आते हैं जिसमें नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मेघालय, तो आप 52 दिन तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 26 अगस्त को पब्लिश किया गया था, यानी कि अगर आप आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार, आइसलैंड और लक्षद्वीप से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप लोगों को 45 दिन यानी कि 9 अक्टूबर लास्ट डेट है, और अगर आप इस सब जगह से बिलोंग करते हैं तो आप 7 दिन और बढ़ा लेंगे, यानी कि लगभग 16 अक्टूबर को लास्ट डेट रखा गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन होगा ना वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो होगा वो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर का, जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस होगा जो कि 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर के, और जनरल इंग्लिश होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल ओवरऑल आपके पास 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा ये सब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंग्लिश में भी बताया गया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी बताया गया है। तो ये सब सिलेबस आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके ये ले सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं ना उनको सेकेंड क्लास जो है ना थर्ड यहाँ पे देखिए सेकेंड क्लास का रेलवे और बस का जो है ना किराया दिया जाएगा। अगर उनका 30 किलोमीटर से ज्यादा उनका घर है तो आपको रेलवे स्टेशन तक आने का या बस स्टॉप पे आने का आपको किराया दिया जाएगा, जो कि आपको फॉर्म में जो है ना आपको एससी एसटी वाले को एक बैंक डिटेल्स भी भरना है, वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है, अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग उस फॉर्मेट के आधार पर बनवाएंगे, लेकिन अगर आपके पास बना हुआ है तो वो बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 110% चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप आवेदन देंगे ना तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क आप जो इनवॉल्व है ना उसके फ्रंट साइड पे ही लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना जो है ना कॉर्नर ऑफ द इनवॉल्व यानी कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द इनवॉल्व पे आपको क्या करना है ना कि अपना कैटेगरी मेंशन करना है कि आप किस कैटेगरी से जो है ना फॉर्म भर रहे हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रीजन ऑफ रिजेक्शन यानी कि किस किस रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। तो अब आपने अगर सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट नहीं लगाया है या राइट हैंड थंब लगा दिया है लेफ्ट हैंड की जगह पर, देखिए आपको क्या है ना कि इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकती हैं, तो इसमें अगर फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो अपना राइट हैंड का थंब लगाएंगी और मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहा है ना तो अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाएगा। आपको टाइपिंग करना आना चाहिए इंग्लिश और हिंदी, क्वेश्चन जो होगा वो भी इंग्लिश और हिंदी में पूछा जाएगा। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। प्रूफ ऑफ एज की बात करें
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ना वो केवल और केवल मऊ एमपी में ही कराया जाएगा। प्रूफ ऑफ एज में हो गया आपका, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये एक्सेप्ट किया जाएगा वार कॉलेज का। और यहाँ पे आप जन्म प्रमाण पत्र होता है ना वो भी लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, तो यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट सेल्फ अटेस्टेड जो है ना एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स कॉपी यानी कि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो भी है अप्लीकेशन प्रूफ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो भी आपका मार्क्स है ना सीजीपीए वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपना सीजीपीए कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। आप अपना सीजीपीए कैलकुलेट करके परसेंटेज में ही लिखेंगे, ये सब भी यहाँ बताया जा रहा है। और आगे बात करें तो इसके बारे में तो यहाँ पे और भी इसका जो है और कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज ये इसका लास्ट पेज है, आप देख सकते हैं इसके बाद अब कुछ नहीं है। तो आप लोगों को फॉर्म के नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म में आगे अब कैसे क्या फिल करना है और क्या प्रोसेस है इसका। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जो है ना बोला जा रहा है कि आप किस माध्यम में टाइपिंग देंगे, तो जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देंगे तो आपको 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में देंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग देना है जो कि ट्रेड टेस्ट में होगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा जिस भी लैंग्वेज में आपका टाइपिंग स्पीड मजबूत है वो। उसके बाद यहाँ पे रेफर न्यूज पेपर में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज लिख देना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको EN 22/83 लिख देना है, और यहाँ पे डेट जो है वो 26 अगस्त 2023 लिख देना है। यहाँ पे आपको एक नंबर में पूरा नाम लिखना है जो कि कैपिटल अक्षर में लिखना है, और यहाँ पे आप एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है जिसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पे 2 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद 3 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है यानी कि जन्म तिथि लिखना है। 4 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट अप्लीकेशन यानी कि जो लास्ट डेट है उस डेट को आपका एज कितना हो रहा है। तो देखिए लास्ट डेट जो है ना वो 9 अक्टूबर 2023 को है। अगर आप जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया और मेघालय हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अगर और जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सब जगह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये 9 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट नहीं है, आपका 9 में और 7 दिन ऐड करें यानी कि आपका 15 अक्टूबर को लास्ट डेट है। लेकिन अगर आप जो 7 सिस्टर स्टेट हैं उस जगह से और जम्मू कश्मीर और ये मतलब क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश ये सब जगह से आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका लास्ट डेट 9 अक्टूबर को ही होगा। तो यहाँ पे उसी डेट को आपको अपना जन्मतिथि काउंट कर लेना है और जितने साल जितने ईयर जितने मंथ के हो रहे हैं यहाँ पे लिख देना है। फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि 5 नंबर में आपको अपना जेंडर बताना है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है। तो अब नोटिफिकेशन में जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक ओबीसी कैटेगरी छोड़ के सभी कैटेगरी में वैकेंसी है यानी कि एससी में भी है, एसटी में भी है और जनरल में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है। तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा। ओबीसी कैंडिडेट वाले जो है ना वो जनरल कैटेगरी में आवेदन दे सकते हैं लेकिन जनरल जैसा उनका एज होना चाहिए यानी कि 18 से 25 साल, नोटिफिकेशन में जैसा कि मैंने बताया था। अगर आप एक सर्विस मैन यानी कि अगर आप डिफेंस पर्सन है जो कि आर्मी ने भी एयरफोर्स में से ज्वाइन मतलब थे और छोड़े हैं अभी अभी यानी कि रिटायर्ड किए हैं और चाहते हैं कि इसमें जॉब लें तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी दीजिएगा एक सर्विस मैन के बारे में। अगर आप डिसेबिलिटी हैं यानी कि किसी भी जगह से विकलांग हैं तो यहाँ पे 8 नंबर में यहाँ पे आप उसके बारे में बताइएगा। 9 नंबर में आपको नेशनलिटी में इंडियन भर देना है, 10 नंबर में रिलीजन में हिंदू बताना है, उसके बाद 11 नंबर में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ यानी कि जैसे कि आप विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको 10th लिख देना है, किस ईयर में पास किए थे, किस बोर्ड से किए थे, कितना परसेंट नंबर था, कौन सा डिवीजन था, रिमार्क में आपको पास लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे 12th क्या है ना कि लोअर डिवीजन क्लर्क का है तो यहाँ पे 12th क्लास पास मांगा गया है तो यहाँ पे 12th लिख दीजिएगा, किस ईयर में किए थे, किस बोर्ड से किए थे और कितना परसेंट नंबर था, कौन सा डिवीजन था, रिमार्क में आपको पास लिख देना है। 13 नंबर में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं कंप्यूटर का या डाटा एंट्री ऑपरेटर का या लोअर डिवीजन क्लर्क का अगर आपने कहीं काम किया है तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। और यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि वे देयर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट के मतलब इंप्लॉय हैं काम कर रहे हैं तो कितने पे स्केल पर काम कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट है, ये सब जानकारी दीजिएगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो ये आपको 14 नंबर भी नहीं भरना है। उसके बाद 2 नंबर पेज की बात करें तो 2 नंबर पेज में सबसे पहले डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन में आपको क्या है यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे पूरा नाम लिख देना
देना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ जो है ना, आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि फोटो के फ्रंट साइज पे सिग्नेचर मतलब जो होता है ना उसी तरह सिग्नेचर कर देना है। यानी कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ये फोटो हो गया ना, तो इसके ऊपर हमको सिग्नेचर कर देना है दोनों फोटो के, और सिग्नेचर करने के बाद नेम एंड फादर्स नेम, यानी कि जैसे क्या करना है ना, सिग्नेचर कर दिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जैसे ही इसे मैं लिख रहा हूं ना, ऐसे यहाँ पे नेम करके अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे एसओ करके, एसओ करके अपने पिताजी का नाम लिख देना है, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख देना है। इस तरह से दो फोटो पे आपको लिख देना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में बोल रहा है यहाँ पे बैक साइड, और आगे आपको क्रॉस सिग्नेचर भी करना है जो कि फेस पे ना जाए और सिग्नेचर भी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि वन सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड इनवलप ड्यूली एफिक्स पोस्टल स्टाम्प, यानी कि आपको एक ऐसा पोस्टल स्टाम्प भी चाहिए जिसपे आपको डाक टिकट चिपकाया हो, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर, अब देखिए पोस्टल ऑर्डर या डीडी नंबर, तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना तो एक दिन का काम है, तो मैं डिमांड ड्राफ्ट नहीं दिखा सकता ये कैसे बनाया जाता है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि पोस्टल ऑर्डर कैसे मतलब उसको पे किया जाता है, कैसे भरा जाता है। पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप आर्मी वार कॉलेज का जो 50 रुपये का एप्लीकेशन फी है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको कैसे पे करना है ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ। हेडक्वार्टर आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी में जो 5 पोस्ट पे एलडीसी का फॉर्म निकाला गया है ना, इसमें अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपको 50 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन के माध्यम से पे नहीं करना है। एप्लीकेशन फी दो माध्यम है आपके पास, एक डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। डीडी बनवाने में लगभग आपके दिन भर का समय आपका बर्बाद हो जाएगा, जो कि बैंक से बनता है, फॉर्म भरो, चेक काटो, सारी प्रक्रिया करनी पड़ती तब जाके डीडी बनता है। और एक जो है काफी आसान प्रोसेस है, भारतीय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। देखिए इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो होता है ना, ये तो ऐसा माध्यम है ना कि ना सामने वाला का खाता चाहिए और ना जो पे कर रहा है उसका खाता चाहिए। आप डायरेक्ट उसके नाम पे जो है ना 50 रुपए 100 रुपए जितने भी रुपए का आप देना चाहें उतने रुपए का, आप समझिए ना कि एक आसानी माध्यम में आप एक चेक काट के दे दे रहे हैं। तो इसको कैसे फिल करना है पोस्टल ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है, जो ऐसा ही पोस्टल ऑर्डर आपके पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पे करना है कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज मऊ, इसके फेवर में पे करना है। तो यहाँ पे जो पे टू लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप लिख देंगे कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज मऊ। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एट द पोस्ट ऑफिस एट, यानी कि आप किस पोस्ट ऑफिस में पे कर रहे हैं, डाकघर में आधा करें तो यहाँ पे डाकघर का नाम लिखना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मऊ लिख देना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है ना प्रेषक यानी कि जो पे कर रहा है ना उसका पूरा नाम और पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, और फिर पिन कोड नंबर लिखना है। ये तो हमारा पोस्टल ऑर्डर पे हो गया। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो ये जो देखिए अभी यहाँ मेरा जो लकीर चल मतलब ये जो तीर चल रहा है ना, इधर से जो इधर का इधर वाला साइड है ना, इधर वाला इसको फाड़ के रख लेना है, और इधर वाला साइड यानी कि जो इधर है बड़ा वाला साइड, इसको आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, बड़ा वाला जो इनवलप होता है ना उस इनवलप के बीच में ही रख के इसको भेजना है। तो अब देखिए अगर आप चाहें ना, तो यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आपको क्या करना है ना कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में मांगा जा रहा है कि पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखें और डेट लिखें, तो इस नंबर को लिख देना है, और जिस डेट को आप पे कर रहे हैं वो डेट लिख दीजिएगा, या जिस डेट को खरीदे हैं वो डेट भी आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो फाड़ के अपने पास रख लेना है ना, इसका कोई काम नहीं है, ना ही तो एग्जाम में खोजी होता है, ना ट्रेड टेस्ट में कभी भी इसका खोजी नहीं होता है। लेकिन ये इसलिए होता है ना कि आपको याद रहेगा कि आप कितने तारीख को किसके फेवर में ये पोस्टल ऑर्डर, ये वाला ये नंबर का पोस्टल ऑर्डर पे किए थे। तो यहाँ पे आपको फिर क्या करें कि किसे अदा करना है, तो आप यहाँ पे कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज मऊ लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे डाकघर का नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, और ये वाला पर्सन आपको फाड़ के रख लेना है, और ये वाला पर्सन आपको ऐसे फिल करके भेजना है। आप चाहें तो ये वाला पर्सन आप बिना भरे सादा ही फाड़ के रख सकते हैं, लेकिन ये भर लेने से क्या होता है ना कि याद रहता है कि ये पोस्टल ऑर्डर नंबर जो है ना ये हम इस फेवर में पे किए थे। तो इस तरह से हमारा कुछ पोस्टल ऑर्डर जो है ना
फील होता है, ये होता है पोस्टल ऑर्डर नंबर। और यहाँ पे डेट जो होता है ना, वो पोस्ट मास्टर होते हैं ना, उनकी एक मोहर होती है, यहाँ पे डेट होती है, तो उसी डेट को आप लिख लीजिएगा, या जिस डेट को आप खरीदे हैं या तो उस डेट को लिख लीजिएगा, या फिर आपको जब डेट मन करे, जब पे कर रहे हैं, तो अब याद रहे पोस्टल ऑर्डर ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम का खरीदा होना चाहिए। तो पोस्टल ऑर्डर आपका फिल हो गया। अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूं कि अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है। आपको पता चल गया होगा कि पोस्टल ऑर्डर कैसे पे करना है। पोस्ट ऑफिस से खरीदने के बाद यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पे उसका डेट भर दीजिएगा, और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि आप जितने भी जीरोक्स लगा रहे हैं ना, जो आपके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स, उस वहां तक आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी तक जाएगा, उसका नंबर लिख दीजिएगा काउंट करके। 10 लगा रहे हैं, 11 लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे राइट थंब इंप्रेशन लगाना। जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन समझाया था कि अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है ना 30 किलोमीटर से ज्यादा अगर आपके घर से सेंटर है तो आपको सेकंड क्लास का मतलब टिकट दिया जाएगा, टिकट का दाम दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपना, यानी कि केवल और केवल ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, दूसरा ना तो ओबीसी भरेगा, ना ईडब्ल्यूएस भरेगा, ना जनरल कैटेगरी के लोग भरेंगे। तो यहाँ पे एससी एसटी का यहाँ पे जो अगर कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो कि या तो पासबुक में हो या चेकबुक में, जैसे हो यहाँ पे नाम लिखिएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है ना बैंक का नाम, यहाँ पे ब्रांच लिखना है ब्रांच के साथ, और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, बताना है कि सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, और 11 डिजिट का आईएफएससी कोड लिखना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है ना आपको जो इसके साथ जो है ना कैंसल चेक, ये कैंसल चेक का मतलब होता है ना कि एक चेक होगा उस पे आपको कैंसल लिख देना है, उसको भेजना है, या पासबुक का फोटोकॉपी भेजना है। यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है और नेम भर देना है। ये केवल और केवल एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिप्स कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद जो अगला पेज है हमारा डिक्लेरेशन बाई ओबीसी कैंडिडेट्स, तो देखिए ओबीसी में वैकेंसी तो है नहीं, जीरो वैकेंसी है। ओबीसी वाले जनरल मतलब कैटेगरी में आवेदन देंगे, तो अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे अपना नाम, पिताजी का नाम, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, यहाँ पे सिग्नेचर, नाम, प्लेस और डेट, ये लिख दीजिएगा। ये केवल ओबीसी कैटेगरी के लिए है, जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एक्स सर्विसमैन इसको नहीं फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ओबीसी डिक्लेरेशन है ना, उसी पेज पे आपका एडमिट कार्ड है, इसको कैसे फिल करना है, तो इसको क्या करना है ना कि यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, और यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क आपको लिख देना है। कैटेगरी अगर आप यूआर एससी एसटी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आवेदन दे रहे हैं वो कैटेगरी लिख दीजिएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स में, और फोटो के ऊपर भी क्रॉस सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, फिर आपको नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, अपना कैटेगरी लिखना है, एक फोटो चिपकाना है, और फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे नीचे में भी लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। अब जो होता है ना, अब हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है, यानी कि जो 3 पेज का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली फिल हो गया है। फिल हो गया, आपको नोटिफिकेशन भी समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको समझाया, काफी देर तक मैंने नोटिफिकेशन समझाया, आपको पता भी चल गया होगा कि क्या क्या इसके साथ लगाना है। तो इसके साथ क्या करना है ना कि आपको एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप अपने पुस्तक की दुकान से, जहां भी आपका पुस्तक का दुकान है या पोस्ट ऑफिस के आसपास में, आपको एक ऐसा इनवलप मिल जाएगा, आप खरीद लीजिएगा। ये इनवलप खरीदने के बाद आपको सबसे ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि ये इसको बीच में लिखना है, यहां से लेकर यहां तक बीच में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, ये लिख दीजिएगा। ये जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में ये समझाया भी हूं, और लिखने के बाद आपको नोटिफिकेशन में मैं बताया हूं कि लेफ्ट साइड में, यानी कि लिफाफा का लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है ना कि अपना रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आप ईडब्ल्यूएस आवेदन रहे हैं एससी से एसटी से, यहां पे आपको वो लिख देना है। फ्रॉम में फिर आपको अपना नाम, पिता अपना नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब फिल कर देना है। और 2 में जो भेजने का पता है, द प्रिसीडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन बोर्ड जूनियर कमांड विंग आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी पिन 45 34 41, ये हो गया। इसका एड्रेस ऐसे इस तरह से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऐसा छोटा वाला इन्वेलप आपको खरीद के लाना है, जो कि ये बड़े वाले इन्वेलप से थोड़ा छोटा होगा, और उसपे आपको क्या करना है ना कि 2 में आपको अपना खुद का एड्रेस, जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, और कुछ आपको डाक टिकट चिपकाना है। जैसे कि डाक टिकट मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम
₹25 का आपको डाक टिकट इधर चिपका देना है, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। और चिपकाने के बाद अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। देखिए डॉक्यूमेंट्स जो होता है ना, वो सब का सब आपका जीरोक्स लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स लगेगा। मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया हूँ कि अगर आप सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स नहीं लगाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको 10th और 12th का मार्कशीट का जीरोक्स लगा देना है, 10th 12th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा देना है, आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक का जीरोक्स लगा देना है। अगर आप एससी एसटी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जीरोक्स सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। एप्लीकेशन फी अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फी डिमांड ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं या पोस्टल ऑर्डर से, उसको भी आपको इस बड़े वाले लिफाफा के अंदर ही रखना है, पोस्टल ऑर्डर को और उसको या डिमांड ड्राफ्ट को इसको अंदर ही रखना है। और यहाँ पे दो फोटो एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे फोटो को कैसे करना है तो मैं यहाँ पे बताया हूँ। इधर यहाँ पे क्या करना है ना कि फोटो के ऊपर इधर सिग्नेचर कर देना है और पीछे में क्या करना है ना कि आपको अपना नाम और एसओ करके अपने पिताजी का नाम लिख देना है। उसके बाद वन सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व एफिक्स पोस्टल स्टाम्प, आप ये देख सकते हैं ये पोस्टल स्टाम्प चिपकाया हुआ, आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ, कम से कम ₹25 का पोस्टल स्टाम्प चिपका दीजिएगा। ये हो गया, सबको जीरोक्स ले लीजिएगा। बात करें सेल्फ अटेस्टेड की, तो सेल्फ अटेस्टेड ये सिग्नेचर हो गया। और जैसे अगर आप अब फॉर्म भर रहे हैं 30/8 को, यानी कि 30 अगस्त 2023 को, तो यही हो गया हमारा सेल्फ अटेस्टेड, इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं जाएगा, सभी की सभी सेल्फ अटेस्टेड जाएंगे। और इसके साथ जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है ये देख लीजिए, इसको क्या करना है ना कि जो हमारा 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसके जस्ट नीचे यानी कि इस तरह नीचे रख लेना है। और नीचे रखने के बाद आपको क्या करना है ना कि इसको पिनअप कर देना है, स्टेपलर होता है ना जो पिन मारा जाता है उसको कर देना है और इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। मैं एक बार फोल्ड कर लेता हूँ इसको, ऐसे मान लीजिए कि मैंने फोल्ड कर लिया, इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ, ये फोल्ड हो गया। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही फोल्ड होगा, दो फोटो आपको इसी के अंदर रख देना है और एक छोटा वाला इनवॉल्प जिसपे आपको डाक टिकट चिपकाया है वो ये भी इसी के अंदर रख देना है। अगर आप पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं उसी को इसी के भीतर रख देना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके, फोल्ड करने के बाद जो बड़ा वाला इनवॉल्प है जिसपे आपने भेजने का पता लिखा हुआ है इसी के भीतर आपको क्या करना है ना कि इस तरह से इसके भीतर मैं एक बार इसको रख लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे क्या करना है। जैसे इसको मैंने रख लिया, अब रखने के बाद क्या करना है ना कि अगर आपके पास गोंद है तो इसको गोंद से यहाँ पे चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद आपको 9 अक्टूबर 2023 से पहले इस एड्रेस पे आपका जो है ना फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भेज देना है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि आर्मी वार कॉलेज मऊ एमपी की तरफ से जो 5 पोस्ट पे लोअर डिवीजन क्लर्क का फॉर्म निकाला गया था, इसका फॉर्म आप घर बैठे ऑफलाइन माध्यम से कैसे फिल करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट का सॉल्यूशन भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।